Corte! Lecce! बस 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 अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, मैं हूं ताबिश हाशमी, आप देख रहे हैं आर नंबर 9 प्रेजेंटेड बाय आईसीआई ड्यूलेक्स स्पार्क स्मार्टफोन्स एंड पावर्ड बाय माइको। आज पीएसएल 9 का एक और मैच खेला गया, मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, काफी क्लोज मैच था। बात करेंगे क्रिकेट पे, सबसे पहले मेरे पैनल का इंट्रोडक्शन। मेरे साथ मौजूद है एक ऐसा खिलाड़ी जिसने बड़े बड़े खिलाड़ियों को चटाई है खाक, ऑलराउंडर खतरनाक अब्दुल रज़ाक। इनको ज्वाइन किया है हमारी कौमी टीम की कौन ऑलराउंडर, बल्कि ऑलराउंडर है खास कायनात इम्तियाज। और थोड़ा हटकर थोड़ा पीछे हमारे न्यूट्रल अंपायर्स बैठे हुए हैं, उनमें शामिल है मेरी दोस्त अजीज, कर दिया मुझे टीज मरियम नफी। नहीं लेती फीस है? नहीं लेती फीस? बहुत लेती है फीस भाई, बहुत, बहुत आज ले रही है फीस। नहीं, आपने बोला नहीं ना। और उनके साथ बैठे हैं पाकिस्तान के मुमताज अदाकार स्टैंड अप कॉमेडियन मेरे खास दोस्त उस्मान फजल। मैच की अपडेट दे दूं, अभी तक मैच खत्म क्यों नहीं, अभी तक नहीं हुआ, एक रन चाहिए मुल्तान सुल्तान को, दो बॉल पे यकीनन वो जीत लेंगे। और रजाक भाई मैच की बात करेंगे, आज मुल्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड को बड़े कम स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया मुल्तान सुल्तान ने, लास्ट मैच में कराची को भी अंडर 150 रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, कैसे देखते हैं इस बॉलिंग को मुल्तान सुल्तान की? देखिए बात बॉलिंग की नहीं है, बात कंडीशन की है, और पिच जो बिहेवियर कर रही है बहुत ही जबरदस्त है, इसमें मूवमेंट भी है, स्किट भी हो रहा है, बाउंस भी है। अब ये देखना, ऐसी पिच होती है तो सब बैट्समैन की टेक्निकल चीजें बाहर आ जाती हैं, पता चल रहा होता है कि इनकी क्या टेक्निक है। अब देखें सलमान इन जगह खेल रहे थे, वो ऐसे लग रहा था कि जैसे इतने एज लगे हैं, इतने उन्होंने कैच छोड़े हैं, अगर यही मैच लाहौर में हो रहा होता तो बिल्कुल नॉर्मल क्रिकेट हो रही होती, 180 चेज हो रहा है, 200 चेज हो रहा है। जब हम बात कर रहे हैं तो इस तरह की क्रिकेट में ये फ़र्क पड़ता है, आपको एक जैसी कंडीशन देनी चाहिए, पिचेस एक जैसी होनी चाहिए। लाहौर का वेदर भी वही है, मुल्तान का भी वही है, लाहौर में 200 चेज हो रहा है और मुल्तान में 145 आखिरी ओवर में हो रहा है। भाई ये देखिए रजाक भाई, ऐसा तो दुनिया भर में होता है, इंग्लैंड की भी कुछ पिचेस बॉलिंग पिचेस होती हैं, कुछ बहुत ही फ्लैट पिचेस होती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, तो हर जगह तो कंडीशंस तो ओवरऑल वेदर की भी होती हैं, ह्यूमिडिटी भी होती है। देखिए मैं मेरा कहने का मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इसमें आप इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। अब यहाँ से गेम में जाएंगी, सेकंड थर्ड लग जो है कराची में जाएगी, वहाँ मैचेस होंगे तो वहाँ पे टर्निंग होना शुरू हो जाएगा, लो बाउंस रहना शुरू हो जाएगा, वहाँ हो सकता है वो सेम कंडीशन जैसे लाहौर में वैसे ही हो जाए। मुल्तान की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है। बहरहाल मुल्तान सुल्तान जो है वो आज 5 विकेट से ये मैच जीत चुका है, मुल्तान के लिए तालियां होनी चाहिए। कायनात आप हारना मनाए में मुल्तान को रिप्रेजेंट कर रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन मरियम, इस्लामाबाद हार गई, बहुत बुरे तरीके से हार गई, ठीक है। ऐसा है कायनात आपसे पूछूंगा, नसीम शाह वापस आए, कमबैक किया उन्होंने, आपको लग रहा है 100% फिटनेस पर है नसीम या अभी भी कुछ कसर है? नहीं, मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता आगे आने वाले मैचेस में ज्यादा फिटनेस अपनी शो कर सके, क्योंकि स्टार्ट में वैसे ही थोड़ा सा बंदा डाउट में भी होता है, अपने आप को लेके भी डाउट में होता है, पहला ओवर भी उस तरीके से इफेक्टिव नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है कि आगे जिस तरह से मैचेस बढ़ते जाएंगे कॉन्फिडेंस आता जाएगा, इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, जो ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अच्छा आज भी अच्छी बॉलिंग कराई नसीम शाह ने, उनके भाई भी हैं उबैद शाह, वो भी खेल रहे हैं पीएसएल में, आपको लगता है वो डिजर्व करते हैं पीएसएल खेलना या नसीम शाह के करिश्मा की वजह से वो भी इन हो गए? नहीं, तीनों भाइयों में है थोड़ा सा स्पार्क है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी तरीके से यंगस्टर्स को जैसे ही डेवलप करते जाएंगे, ऑफ कोर्स आपको पीछे से बॉलर्स चाहिए क्योंकि पाकिस्तान को जितने ज्यादा बॉलर्स मिल सके वो अच्छा है, चाहे वो स्पिनर्स हो फास्ट बॉलर्स हो, तो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन कि आप यंगस्टर्स को साथ साथ डेवलप कर रहे हैं। वेरी नाइस रजाक भाई, आप जो है वो माजी में खवातीन क्रिकेटर्स को काफी इनकरेज करते रहे, मैंने देखा है कई बार कि वो क्रिकेट खेलती है, अच्छा करती है, मगर अब मुल्तान सुल्तान ने जो है वो अपना बॉलिंग कोच कैथरीन डाल्टन को लगाया है, काफ़ी क्वालिफाइड कोच हैं, राजस्थान क्रिकेट एकेडमी को भी बॉलिंग कोच करती हैं, हालांकि खुद इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने कभी खुद बॉलिंग नहीं कराई, मगर एज अ कोच काफ़ी एस्टैब्लिश्ड हैं, कैसा देखते हैं इस डिसीजन को मुल्तान सुल्तान के? देखिए नई चीज़ है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल ट्रेंड चेंज कर दिया, जो था ना कि पाकिस्तानी टीम के साथ कोई लड़की काम नहीं कर सकती या वोमन नहीं हो उसमें मैनेजमेंट में नहीं आ सकती, उन्होंने ट्रेंड चेंज की है, वो हो सकता है इससे अच्छा फ़ायदा हो, सम टाइम ये प्लेयर्स के लिए हक में भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। कैसे? कि इसलिए कि प्रेशर कम होता है, क्योंकि लड़की जब होती है उसका प्रेशर कम होता है, अगर उसकी जगह आप ऐसे ले आए जिसको जो ज़्यादा खेला हो क्रिकेट, जिसका बिल्कुल एटीट्यूड डिफरेंट हो, जो अपनी बात मनवाना चाहता हो, तो वो थोड़ा सा खराब हो जाता है। आप ये कह रहे हैं कि वो खवातीन को सीरियस नहीं ले रहे होंगे? नहीं नहीं, सीरियस नहीं, बात अच्छी चीज़ होती है, बंदा रिलैक्स होता है कि यार कि अच्छा है कि मुझे कोई लड़की भी बता रही है, और पाकिस्तान में ये ट्रेंड चेंज किया उन्होंने,
ये ट्रेंड चेंज किया है, नॉर्मली पहले नहीं था ये, इसको आप इनकरेज करेंगे? अगर ये डेफिनेटली होना चाहिए मूवमेंट, अगर आप क्रिकेट टीम में खेल रहे होते और खातून कोच आ जाती है तो आप खुश होते हैं या आप घबरा जाते? नहीं, मैं पांच छह घंटे कोचिंग करता लेता उससे, एक्स्ट्रा कोचिंग करते रहते हैं। दरअसल आप समझा करेंगे, मकसद ये था, ये मुझे कलवाना चाहते थे और मैंने दे दिया जवाब। हाँ, अच्छा, इमाद वसीम ने आज अच्छी बॉलिंग कराई, इस्लामाबाद की तरफ से 22 रन दिए और एक विकेट हासिल की, चार ओवर में काफी नबी तुली बॉलिंग। आपको लगता है प्रीमैच्योर रिटायरमेंट ले ली इमाद ने? क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, मुझे सही है, उनका अपना डिसीजन था, वो जिस तरीके से भी करना चाहे, लीग्स और लीग्स के लिए अवेलेबल हैं। और जहां तक उनकी बॉलिंग की बात है, वो हमेशा से ही अच्छी बॉलिंग करते आए हैं और यही उनका डोमेन है कि वो उस तरीके का टीम को कॉम्पैक्ट डिसीजन लेकर अपने बॉलिंग से जरा कर सके आगे काम। सही है, सलमान अली आगा ने कंसेक्यूटिव 50s बनाई हैं, आपको लग रहा है कि अब वो T20 के वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट होंगे या अभी आप कहते हैं? डेफिनेटली देखें, वो अब उनको लेके चले हैं, उनको पूरा कॉन्फिडेंस देना चाहिए। हाँ। हम हमेशा ये जितने प्लेयर्स हैं इनको बैक ही करने की कोशिश करते हैं, पर जब इनकी बॉडी लैंग्वेज नजर आती है ना मैच में, अफसोस होता है कि यार कि इनको इस तरह इस इंटेंट से नहीं खेलना चाहिए। जब आपको पता चल गया कि आप टीम में परमानेंट मेंबर हैं, आप बाहर नहीं हो सकते, तो फिर आपको ओपनली खेलना चाहिए, जैसे डोमेस्टिक में खेलते हैं। सलमान अली अगर डोमेस्टिक में खेलता देखें तो आप कहेंगे ही इज अ डिफरेंट प्लेयर। हाँ, सही कह रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, जो आपने क्रिएट किया होगा इंटरनेशनल का, PSL का, डोमेस्टिक का, ये ख़त्म करना होता है। ये प्लेयर की डोमेन होती है कि यार कि मैंने अब अपने इस चीज़ को ख़त्म करना है। हम जब टीम में आए थे हमें यही था कि जो प्रेशर है इसको कैसे ऑफ करना है। जब तक प्रेशर ऑफ नहीं होगा आप कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। मरियम आजम से आपकी बड़ी दोस्ती है, मेरी भी बड़ी दोस्ती है आजम से, आजम आज भी नहीं चला, क्या कहेंगी आजम को कैमरे में देख के? कोई बात नहीं, होता है, सब हर वक्त नहीं चल रहे होते, अब अपने आप को ही देख लो। मैं तो रोज चलता हूँ, आप भी रोज। आजम को क्या अच्छा नहीं, मैं कल देख के बोल दूंगी उससे, कल मिल क्या बोलोगी आप उससे? बस जो भी मुझे बोलना हो मुझे आप बताओ प्लीज। नहीं, आई मीन आई थिंक ही नीड्स टू परफॉर्म नाउ एंड ही डज वेल व्हेन ही डज, सो ही विल डू। जब भी इनके हस्बैंड उनको मिलके आते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं। अच्छा, अभी तो मैं मिली नहीं हूं। अच्छा, नहीं, ठीक, सबर रजाक पे सबर, हस्बैंड से मिलके आते हैं। हां जी, उस्मान भाई, कराची का कल मैच है, कराची लगातार हारती चली आ रही है, पिछले टूर्नामेंट से हारती चली आ रही है, सिर्फ लाहौर को हराती है वो, और अक्सर मुझसे कराची की टीम वाले कहते भी हैं यार हमारे सारे मैच ही लाहौर से रखो, हां कोई मैच जीते, तो आप कराची को क्या पैगाम देंगे? आज आप ऐसी जींस भी पहन कर आए हैं। मैं बिल्कुल बिल्कुल, एक बार आके दिखा, मैं आके दिखा दूं, ये कराची की हालत हुई भी आजकल, जरा आप देख सकते हैं। ये ऐसा लग रहा है कराची में कोई मोबाइल छीनने आया था और आपने दिया नहीं। ये बगैर वक्त के बारिश हो गई थी, बगैर वक्त आइए साहब। हां जी, तो स्पीड डॉग्स, लेकिन कराची इस सीजन एटलीस्ट पिछले सीजन से तो बेहतर खेलेगा। आई थिंक दे विल, दे हैव अ गुड चांस, कम से कम दो मैच जीतेगा, दो से ज्यादा, दो से ज्यादा, पिछले बार दो जीते थे, इस बार तीन चार तो हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा भाई, वक्त आ चुका है एचएम मैच कब खेलने का। आज का जो मुकाबला है वो हमारे दोनों न्यूट्रल अंपायर्स के दरमियान है, यानी उस्मान मजहर वर्सेस मरियम नफीस। थैंक यू सो मच कायनात एंड अब्दुल रजाक, अब आप न्यूट्रल अंपायर होंगे और मैं आपसे वक्त से छिड़ाछिड़ी करता रहूंगा। वाह, ऑल द बेस्ट। और जी आजाद आपके सामने मौजूद है। अच्छा, अच्छा, मेरी टीम कौन सी है? आप खुद सेलेक्ट करें भाई, आज आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? रजी भाई है? रजी भाई किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज, कराची वर्सेस इस्लामाबाद? लेट्स टॉक रजी भाई, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद को, ठीक है। और कायनात, ये देखना प्रेशर डाला, कराची। तो भाई आज का मुकाबला है बर्गर वर्सेस बिरयानी, इस्लामाबाद वर्सेस कराची, पहाड़ वर्सेस समंदर। पहला राउंड 360 डिग्रीज, 360 डिग्रीज में आपने सिर्फ तुक्के लगाने, जो करीबी तरीन आंसर होगा वो जीतेगा, बजर राउंड नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। पहला सवाल स्टूडियो से, फैसलाबाद, इस स्टूडियो से, फैसलाबाद का घंटाघर कितने किलोमीटर दूर है? स्टूडियो, ये स्टूडियो से? जी जी, इनसे पूछ रहा हूं, फिर आप मशवरा बाद में देना। नहीं नहीं, मैं देता हूं ना। हाँ। पहले उन्होंने देना, इन्होंने देना है। आप मरियम को सपोर्ट कर रहे हो? हाँ जी, बात सुनो, बनी आप उनसे मशवरा, कायनात से मशवरा कर ले। 240 कम हो गया ये, 240 पैसा बहुत ज्यादा है, लोग को लोगे जीतोगी ना भाई, दिन ब्लड प्रेशर नहीं बताना अपना, रास्ता बताने। अच्छा रजी भाई, ओके 240 उस्मान भाई 220 हां, जीत गई, फिक्र ना करो, ठीक है हाजिर है, सही आंसर है 152 उस्मान पे घर बैठते हैं। ओ भाईजान, गलत है आपका, इनका ठीक है। अरे ना, मिस करो मेरी बात।
ये क्या हुआ? मुझे समझ नहीं आया उन्होंने ताली क्यों मारी। यार 140 कहा था मैंने, आपने 240 कहा था। रजि भाई से तो कुछ पूछ ले। 140 कहा था मैंने, क्या कहा था? 140। रजाक भाई ना आप रास्ते सही जानते हैं ना आपको कुछ याद रहता है। उम्र के इस हिस्से में इतना तो होता देखा है मैंने, मगर इतना भी नहीं। या 140 कहना था कसम से। और बात सुनो भाई, आप भी ताली मार रही हैं, आपको भी इतनी मेहनत नहीं आती। अरे मैं जज्बाती हो गई। कह रहे कोई नहीं। अगला सवाल, नेक्स्ट। क्रिस गेल ने अपने वनडे करियर में कुल कितने छक्के लगाए? उस्मान भाई आप पहले बताएं। मैं बताता हूं। नहीं आपने बताया। मैं बताता हूं, कह रहा हूं। मेरी बात सुनो। अच्छा एक एक करके कह रहा हूं, एक एक क्रॉस टॉक नहीं प्लीज। उस्मान भाई मशवरा कर लो आप। कायनात 150 कर ले, 100 कर ले। 100-150? हां 100-150 ठीक है। वही 100। अरे क्या हो गया? ऊपर करूं 200 ये तो गलत कर रहे हैं ना फिर। आप बढ़ा दिए भाई। रजि भाई 150। हां 155। आप चलो दिखाओ 155। 200 बोले मरियम ने, 200 बोले। दिखाओ भाई सही आंसर। उस्मान भाई 150। दिखाओ सही आंसर। 200 भी ऊपर। 331 मरियम नफीस दास। ये 200 भी ऊपर है। गोल से बेटा, गोल से। मैंने तो और गिर गया हूं। आप खेल नहीं रहे हो, मशवरा दो। जब आप खुद खेलते तो कोई स्कोर करते नहीं हो आप। ठीक है बात सुनो, आपको न्यूट्रल अंपायर बनाया इसका मतलब ये नहीं हर चीज में मुदाखलत भी करो। यार मेरी बात सुनो, मेरी बात नहीं सुनती। यार मेरी तरफ ध्यान दें आप लोग। चले चले अगला राउंड है। अगला डेथ ओवर सवाल है। 360 का ही सवाल है। दिखाओ। अच्छा 360 क्या लिखा है? हनी बी की कितनी आंखें होती हैं? हनी बी शहद की मक्खी की कितनी आंखें होती हैं? शहद की मक्खी छह आंखें। छह नंबर आ गया। छह आंखें। बात सुनो 100 चार कह दो। 100 आंखें कहां कहां होती हैं भाई? आप गूगल ही कर लेते हैं। कितनी आंखें होती हैं भाई? कितनी आंखें होती हैं? क्या है आपका? बात सुनो सात कह दो। मान लो मेरी बात। बात ही हो गई भाई। रजि भाई मरियम बताओ ना यार, जल्दी बताओ। आपने कितनी बोली? मैंने 6 बोली। 6 दो आंखें दिखाओ बेटा। 5 आंखें। उस बात का प्लस क्या हुआ? वाह मैंने 5 कहा था तुम्हें। आप मुझे कितनी कह रहे हो? 5 का था। 5 पहले 5 कहा था भाई। रजाक भाई देखें यार। चलिए नेक्स्ट डेथ ओवर है। ऑप्शंस आएंगे, सवाल आएगा, 4 ऑप्शंस होंगे। आपने बजर दबा के सही ऑप्शन क्रिएट करने। अगर आप दोनों ने बजर बजाए तो पहले वाले से पहले पूछूंगा, दूसरे वाले से दूसरे। -10 भी हो सकता है गलत जवाब। ठीक है और जब सवाल ना जाए बजर नहीं बजाना। दिखाओ सवाल। दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा कौन सा है? ग्रीनलैंड। चैलेंज कर रही है आप? बात सुनो, आप मशवरा सिर्फ इनसे कर सकती है, घर वालों से। अब बताए नहीं जजीरा। न्यू जिनीवा कर दो। इन्होंने सिर्फ न्यू के नाम से बोला। ये न्यू कराची नहीं है, न्यू जिनीवा कर दो। कर दो अच्छा इन्होंने न्यू गिनी है। इन्होंने इसलिए कहा, इन्होंने बाकी पढ़े नहीं जा रहे। आपने क्या बोला? मैंने ग्रीनलैंड का। मैं तुक्का मार देती हूँ, विक्टोरिया आइलैंड। लो विक्टोरिया आइलैंड, तुम्हें बजर दबाया था ना। हाँ। चलो भाई सही जवाब है ग्रीनलैंड। उस्मान मजर प्लस 10। नेगेटिव मार्किंग हो रही है इससे। कह रहे हैं यार वायरस के। कोई बात, स्पोर्टिंग। अगला सवाल, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा सयारा कौन सा है? मर्करी। कोई चैलेंज कर रही? नहीं, नहीं। सही जवाब है। दिखाओ सही जवाब। मर्करी इज द राइट आंसर। प्लस 10। अरे जिनको नहीं पता, उस्मान भाई स्टैंड अप कॉमेडियन भी हैं, एक्टर भी हैं, एड में भी आते हैं, मैथ के टीचर भी हैं और कभी कभी मौका मिले पिज्जा भी डिलीवर कर लेते हैं। दिखाओ अगला सवाल, इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा हैट्रिक करने का एजाज किस खिलाड़ी के पास है? हाँ जी लासित मलिंगा। सर चैलेंज करोगी? नहीं मलिंगा। 50 नंबर दूंगा। गलत बोल दूं मतलब मेरे कट जाए। -10 होंगे। सही जवाब 50।
ब्रैडली कह दो लो ब्रैडली ना करो ना करो ठीक है सही जवाब है लसित मलिंगा मैं मरियम बात सुनो ये बेल क्यों नहीं बजाती पहले नहीं मेरी बात सुने आपको तो कोई जवाब आता नहीं मैं बेल बजा के मैं बात नहीं करा जाओ तो सही जरा नहीं मुझे नहीं बजानी ये फंसा देंगे अगला सेगमेंट पहले बजा के प्रेशर डालो मेरे पे अगला सेगमेंट है ईगल आए पावर्ड बाय माइको इसमें आपको सही बॉल पहचाननी है दिखाओ बेटा हाँ जी हाँ ठीक है मैं बताता हूँ ठहर एक मिनट हेलो मैं बताता हूँ ए कर दो ये सब्जियां लेने आए हुए आप सही जवाब दो भाई मरियम उस्मान में सी लग रही है ये दो क्या है यार मुझे सी लग रही है ये दोनों एक ही बॉल पकड़े और मुझे लग रहा है बीच में गुजर जाएगी वो ऐसे जा रही होगी ना टेढ़ी जा रही है आपने बजर बजाया था नहीं नहीं उन्होंने बजाया मैंने बजाया था एक मिनट इतना टाइम नहीं है हमारे पास आप जाके पूछ लो ए कर दो ए मैं आपके लिए सिंपल कर देता हूँ या तो ए है या बी और सी है कर दो हार ही जाओगी ना ए कर दो ये तो चाहते हैं कि मैं हारूं जवाब दे दो भाई बी चलो ठीक है बताने बताने ए चलो ए ए उस्मान में चैलेंज कर रहे हैं बात सुनो बी कर दो उस्मान भाई बहुत सेफ खेल रहे हैं थोड़ी हेल्प कर दो ना मुझे क्या पता मुझे नहीं पता मुझे तो सी लग रहा है नहीं ए कर दो ए ठीक है ए ए दिखाओ मेरा सही आंसर क्या है बी इज द राइट आंसर -10 जान बूझ के मैं इस आदमी की बात सुनती हूं नहीं मैंने तो बी कहा था मैं हारती हूं बी मैंने कहा नहीं अब आप बी मैंने कहा था इधर मरियम और तुमने एक कहा था नहीं आपने बी कहा था हाँ मैंने बी कहा था अगला सवाल ए बी यस अब तुक्का मारो -10 हो ही चले जा रहे हैं पता है कोई बात नहीं कोई बचा नहीं पाएगा फिर आखिर तक सी ये मुझे मोहम्मद आमिर की बॉल है और मोहम्मद आमिर सी से इतना अंदर नहीं ला सकते ये ए से बॉल पिच करके अंदर लाए होंगे मुझे ऐसा लग रहा है कोई चैलेंज मैं चैलेंज नहीं दे रहा ए. मुझे ऐसा लग रहा है मेरे एक्सपीरियंस से नहीं नहीं ए नहीं हो सकता मुझे बी लग रहा है उनकी सी बाबर सी ठीक है बाबर ठीक है भी देखे बाबर देख कर रहा है सी ठीक है सी जल्दी बोलो जल्दी बोलो ए दिखाओ मेरा सही है क्या आंसर मुझे कहा था मैंने बताया जूते नहीं उतारो जूते नहीं उतारो मैं खेल नहीं रहा हूँ ऐसे खड़े खड़े चलो भाई अगला नहीं आपका प्लस नहीं हो रहा मेरे माइनस इसलिए तो कह रहा हूँ खड़े खड़े चलो पावर प्ले में होगा ये बकेट करनी है और आपने कहा था आपको बहुत अच्छा आता है मरियम मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा मैं पहले नहीं करूंगी लेकिन उस्मान भाई यहाँ से कहाँ से यहाँ से अगर अगर आपने एक एक बकेट के 10 हैं, ठीक अगर तीनों मार दिए तो 50 है अरे बाप रे ठीक है नेगेटिव तो नहीं है ना नहीं नेगेटिव कुछ नहीं है जो जीतेगा उसको एक मरियम ये देख लो कैसे फेंकना है मरियम फेंकना है मरियम ये देख लो कैसे फेंकना आप ना बोले ओ दो दो वेरी गुड मिस 50 मिस हो गया अरे बहुत दूर मिस 20 नंबर वेरी गुड ये मरियम की जगह मैं कर दूं नहीं तू कर एक भी नहीं जाएगा दोनों हाथों से ऐसे एक नहीं नहीं एक से ही कर एक से यार क्या है अच्छा करो ना अच्छा अरे यार मारो ना यार बहुत जोर से तो दोबारा करो तुम बोलोगे चीटिंग की है दोबारा कर रही हूं मरियम दोनों हाथों से कर लो नहीं दो बाकी अभी भी हो सकता है करो शाबाश मरियम को लगेंगी ताकत की ड्रिप्स जब तक लीजिए आप ब्रेक वापस आते हैं हारना बनाए कहीं नहीं जाएगा Welcome back to Harna Manaye, presented by ICI Dulux, Spark Smartphones and powered by Myco. मेरे साथ मौजूद उस्मान मजहर और मरियम नफीस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कराची और इस्लामाबाद को खेल रहे हैं एचएमएच कप अगला राउंड फ्री हिट मेरी सुनना फ्री हिट में ऐसा होगा जी जरूर हाँ जी इसमें होगा ही नंबर आएंगे एक सेट कर रहे हैं उसके पीछे एक टास्क होगा 10 सेकंड में वो पूरा करना है जो सबसे ज्यादा करेगा उसके उतने नंबर मिलेंगे मरियम थ्री कह दो थ्री कुछ अपना भी करो वन दिखाओ वन
मुख्तलिफ ममालिक के नाम बताइए। पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, नहीं न्यूजीलैंड हो गया, बातें नहीं, नेपाल, कीनिया, बांग्लादेश, बस हो गया, छह जीरो, सात हो गए, छह छह, जब हमने बांग्लादेश बोला तो जीरो हो चुका। उस्मान भाई नंबर है, दो हॉलीवुड अदाकारों के नाम बताइए। टॉम क्रूज, ब्रैड पिट, सिल्वेस्टर स्टेलोन, ब्रूस विलिस, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, लियोनार्डो डिकैप्रियो, जॉनी डेप, क्रिस्टियन बेल, मॉर्गन फ्रीमैन, माइकल केन, हो गए ना छह से। टॉम क्रूज, बॉल छह पे उस्मान भाई, बॉल। टॉम क्रूज, इसको मदद की जरूरत है, कराची कहीं परफॉर्म नहीं कर रहा, यहाँ कोई जरूरत नहीं है मदद की। कीनिया, दुबई, कतर, बहरीन, कितने नाम? अच्छा चेक करो, दुबई, दुबई कौन सा मुल्क का नाम है? जो मैं बोल रही हूँ वो भी पीछे से ला रहे हैं। हाँ बताइए। चलो भाई खत्म हो गया, अब सेगमेंट है वाइल्ड कार्ड, इसमें एक सवाल होगा, दो तस्वीरें होंगी, आपने उसके हिसाब से सही जवाब देना है। आप में से पहले कौन खेलना चाहता है? आप खेल लो। मैं खेल। उस्मान भाई दिखाए भाई, इन दोनों में से किसकी उम्र ज्यादा है? आनिया आमिर। आनिया आमिर, गलत जवाब। दुर्रेफिशा की थोड़ी सी उम्र, हल्की सी, बस थोड़ी सी, एक आध घंटा ही, दो तीन, लेकिन गलत। हार गए, अब मरीम आप रेडी हैं, आपको सिर्फ एक देना है और आप जीत जाएंगी, कुछ तो जीतेंगी। दिखाओ भाई, लेकिन आप स्ट्रीक चला सकती हैं, यू कैन कवर ऑल द एंटायर डेफिसिट, ठीक है? दिखाओ बेटा, इन दोनों में से कौन सबसे ज्यादा महंगी है? लो, लग गए, लग गए। आलू, ले लो, कांदे, सुनो, आलू, आलू, प्याज, प्याज, सही जवाब, प्याज। इन दोनों में से क्या महंगा है? टमाटर, सही जवाब है, टमाटर बोला नंबर हमने, टमाटर ज्यादा महंगा है, गलत जवाब, प्याज ज्यादा महंगी है। एक टाइम तो मैं कह रहा था प्याज, भाई प्याज उसमें महंगी थी, इसमें, इसमें भी। अच्छा कितने की है? पता नहीं, नहीं आई थॉट टमाटर महंगा है, नहीं अब सस्ते हो गए। अच्छा मैंने लिया नहीं, मुझे नहीं पता। आप जीत गई, टमाटर खाने के पैसे ही तुम्हारे पास, आप जीत गई हो भाई। मरियम 10 पॉइंट्स आपके, उस्मान भाई जीरो आपके, ठीक है कोई बात। अच्छा अब क्या हो गया? अब क्या, अब क्या होगा सेगमेंट का नाम है, सॉरी भाई, अब क्या होगा? तो अब क्या होगा सेगमेंट का नाम है, मुझे भी नहीं पता। अच्छा करना ये है, इसे बताना है आउट है या नॉट आउट, ठीक है? बजर दबा दो, मेरी तरफ देखना, ठीक है? दिखा बेटा, आप चुप रहो, बता दो। हाँ जी मरियम, बात सुनो, बात सुनो, नॉट आउट है, नॉट आउट है, नॉट आउट है। हाँ बोलो, क्रिकेटर बता रहे हैं नॉट आउट, और बहुत मान लो नॉट आउट, बहुत 110% नॉट आउट है, नॉट आउट, नो डाउट। दिखा बेटा, नॉट आउट का आंसर आया, दिखा बेटा, अपील, ये गलत आउट है। ये अंपायर ने गलत आउट दिया, आप ऐसे बोल दो, नहीं नहीं अंपायर ने गलत आउट दिया, आपने छह बार रिव्यू रिव्यू भी होगा इसके बाद, 110% नॉट आउट, -10 कहां के क्रिकेटर हो आप? अगला है छक्का या नहीं छक्का, दिखाओ भाई, बैल भी ज्यादा बताता हूं, सिक्स और नॉट अ सिक्स, दिखाओ बेटा, नॉट अ सिक्स, आपने बताया, हां नॉट अ सिक्स, नॉट अ सिक्स, चैलेंज कर रही हूं, मुझे लग रहा है फ्लैट सिक्स, हां सिक्स, ये कैच आउट हो जाए, चैलेंज कर रही हूं सिक्स, लग रहा है फ्लैट, दिखाओ बेटा, अगर सिक्स हुआ मरियम का +10 मैं कहा था कैच आउट, उस्मान भाई +10, वेरी गुड, -10। हाँ जी ठीक है, जी हाँ जी, इधर मुंह करो जरा, अब बात सुनो, अब क्या हुआ मरियम, वापस अपने डेस्क पे बैठे आप, बार बार बैक बेंचर से बात नहीं करे। अब जो सवाल है इसमें आपने बताया टॉस कौन जीता, दिखाओ टॉस, अरे यार मुझे क्या, दोबारा दोबारा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, किसने बताया? इंडिया 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 इंडिया, यही है? नहीं भाई मैं नहीं करती, दिखाओ बेटा कौन जीता टॉस, क्या कहा आपने? इंडिया, किसने कहा इंडिया? उस्मान भाई ने, नहीं आपने बैठ जानी थी, वेरी गुड उस्मान भाई, +10 भाई, मेरी बात सुनो, आपने दबाया क्यों नहीं, प्रेस क्यों नहीं किया, आप चुप कर जाए। अच्छा भाई ऐसा है, हारना मना है, खत्म हो चुका है, जब तक रिजल्ट्स बन रहे हैं, मैं प्यारे खत्म हो गई, हार गई, अब क्या रह गया रिजल्ट, एचएमएच कब खत्म हो गया, अब बात करेंगे ऑडियंस से, सबसे पहला सवाल किसके पास है? सर आपके पास है, आपने तो अंदरून लाहौर में माइक रखा हुआ है, निकाल दिया माइक, करीब ले जाइए सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान सर। क्या करते हैं इमरान भाई? सर कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? मैं ठीक हूँ। मेरा सवाल करते क्या है? करते क्या है?
मैं सर टीचर हूँ सर, और सर स्टूडेंट भी हूँ। क्या पढ़ाते? खुद ही पढ़ते, खुद ही पढ़ाते जी। क्या पढ़ाते? मैं सर कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ। और पढ़ क्या रहे? पढ़ मैं कंप्यूटर रहा हूँ। जैसे पढ़ा फौरन निकाल दिया। यस, वेरी गुड। सवाल पूछ। मेरा सवाल जो है, हेलो मैम, मैम मरियम से है। मरियम ये नहीं, ये मैम से क्वेश्चन ये है कि मैम कैसे हैं आप? वाह वाह, हो गया, गुड सवाल, हो गया। सवाल ये है कि मैम जैसे यानी कि अदाकारा होते हैं, मोस्टली अदाकारा मैंने देखे हैं, तो उनमें से कुछ जो होती है ना वो किसी क्रिकेटर से शादी वगैरह करती हैं, तो कभी आपने सोचा इस तरह? नहीं। रजाक भाई देख रहे हैं तो इसलिए क्रिकेटर से सोचे? इन्होंने तो मैम आपने शादी की, तो इसके पीछे लॉजिक जो है सर अमान अहमद साहब से, तो क्या लॉजिक हो सकती है कि क्या अरेंज है या लव मैरिज है? क्या कह रहे हैं? नहीं, अरेंज मैरिज नहीं है, लव मैरिज है। और इसलिए बाय फोर्स। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल घरेलू सवाल पूछ गए सर। अरेंज थी, लव थी, बाय फोर्स अब तो हो गई सर, अब इत्तफाकी थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिशी है। क्या करती हैं मिशी? आई एम न्यूज़ एंकर। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। सवाल पूछ। मेरा सवाल मरियम मैम से और उस्मान सर से है कि आप दोनों मोस्टली एड्स में इकट्ठे नजर आते हैं। अच्छा, तो अलग अलग एड में एक ही वक्त में आ जाते हैं? हाँ, ऐसा होता है। मोस्टली एड्स होती हैं आपकी इकट्ठी होती हैं, और एड में जो होती है वो एक्टिंग से ज्यादा अच्छे पैसे मिल जाते हैं, तो आप सिर्फ एड्स ही क्यों नहीं करती? एक्टिंग क्यों? आपकी एक्टिंग देखकर ये कह रही है? मुझे सवाल नहीं, हम दोनों पहली दफा मिल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे पहली बार मिले। वो ये है कि ये भी एड्स करते हैं, आप भी एड्स करते हैं, खत्म होता है एक, आपका खत्म होता है। दोनों एड्स करते हैं ना, और कैसे पता आपको? मिलते हैं, उनको बताया किसी ने? खुद न्यूज़ एंकर है, मीडिया से ताल्लुक। ये अगर गौरी ने दिया ना सवाल। अच्छा, एड्स देखिए, एड एक दिन का काम होता है, आपका जो एक्टिंग का जो एक्चुअल काम है वो आप ड्रामा में ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। एड्स में तो हां हूं ही करके बस खत्म। और दूसरा, मैडम टीवी पे काम करते हैं इसलिए एड्स मिलते हैं। हां, मेरा जवाब ये था कि आप जब एक्टिंग करते हैं तो हमें एड्स मिलते हैं, वरना हमें कोई नहीं लेता। मतलब कौन पूछेगा? वो कहते थे उसको ले लो, फलाने ड्रामे में आया था। हां, ये होता है। चलो भाई, अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। माइक सर इसलिए दिया गया, मुंह के करीब हो। जी वालेकुम अस्सलाम। हमने आपकी दिल की धड़कन नहीं सुननी जनाब, करीब लाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद। क्या करते हैं अली भाई? मैं प्रोडक्शंस करता हूँ, साथ में एडिटर्स भी हूँ। क्या क्या प्रोड्यूस किया आज तक आप? मैंने बहुत कुछ प्रोड्यूस किया, जिसमें सॉन्ग्स और ड्रामा की एडिटिंग की है, एडिटर भी हूँ, और उसके बाद मैं प्रोग्राम होस्ट भी करता हूँ। वेरी गुड। क्राइम रिपोर्टर हूँ। क्राइम रिपोर्टर, हाँ जी, वेरी गुड। पूछिए सर। मेरा ऑल ओवर सबसे एक सवाल है, दुनिया में दो सुपर पावर्स हैं, पहली सुपर पावर आपको भी पता है अमेरिका, दूसरी सुपर पावर जो है वो चाइना। तो मैच का आज जो है टॉपिक है क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो क्या दो सुपर पावर्स के पास कोई क्रिकेट टीम है? नहीं है। सवाल, क्या हम पाकिस्तान जो है वो दोनों सुपर पावर से ऊपर है, क्योंकि हमारे पास क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा है? ऐसे तो यूएस की अब आ गई है क्रिकेट टीम। देखिए, मैं वो ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, मैं कुछ चीज बताता हूँ सर, मैं आपको सब तसल्ली का जवाब देता हूँ। वो कह रहे हैं कि यार हम लोग क्रिकेट में टाइम इतना जाया कर रहे हैं इसलिए हम सुपर पावर नहीं है। लेकिन एक बात सुने, हमारे पास बेसबॉल की टीम नहीं है, उनके पास है। हमारे पास फुटबॉल की ऐसी टीम नहीं है, उनके पास है। टेनिस वो हमसे ज्यादा खेल खेल रहे हैं भाई, खेल खेलने से कोई पीछे नहीं हटता, खेल खेलते तो कौमें आगे बढ़ती हैं। हैं जी, हम नहीं अभी तो, हाँ जज्बाती सी बात है, क्रिकेट तक नहीं रह गए। मतलब अच्छा होता कि हम इतनी तरक्की करते, क्रिकेट को भी टाइम दे पाते सही से, लेकिन हम ज्यादा टाइम दे रहे हैं वैसे ऐसे दे रहे। अगला कौन? मैं। कौन है? इधर। वालेकुम अस्सलाम। इधर से कैसे पता चलेगा मुझे? इशारा करते। क्या नाम है दोस्त? नुमान साहिद। क्या करते हो नुमान? वेला। क्या वेला? अच्छा वेला, पाकिस्तान में ज्यादातर यही वेला करते रहते हो? वेला हूँ। अच्छा वेले, क्या अपना सवाल पूछो। सवाल बड़े अहम मसले पे है प्लीज, लेकिन उससे पहले उन भाइयों से दरखास्त है खास तौर पर जो दो दो शादियां करते हैं कि हमारे लिए भी छोड़ दें। और जो सवाल है कि हम नौजवानों की शादियां नहीं हो रही, सबसे सवाल है हम नौजवानों की शादियां नहीं हो रही, कोई फार्मूला बता दें। वेले रहेंगे तो होगी भी नहीं। सही बात। पाकिस्तान में मोस्टली कुछ करके भी वेले हैं। नहीं,
वेले वेलों की शादी, कोई लड़की वेले से शादी करना पसंद नहीं करती। हाँ नहीं नहीं वेले से शादी करना। उस्मान भाई आपकी भी शादी नहीं हुई? हाँ आप जबकि आप वेले भी, मैं कभी वेला भी नहीं रहा। क्यों नहीं हो रही लड़की? नौजवानों को ये छोटे छोटे नौजवान हैं अभी तो नौमौलूद पहले उगते हैं। नौजवानों की बात है वरना आपसे ही बात करता मैं रजाक भाई, लेकिन ये क्यों नहीं हो रही? और यंगस्टर को शादियों में इंटरेस्ट क्यों नहीं? इतनी जल्दी किस बात की है यार? क्या निकला जा रहा है अभी? क्या उम्र है आपकी? अब तुम्हारा माइक बंद है, तुम्हारा माइक बंद है तुम्हारी, अब खोल दिया, बोलो। और कुछ करने को है नहीं। वाह आप पहले और शादी कर रहे हैं तो शादी काबिल नहीं रहोगे बेटा। अच्छा आपकी एज क्या है? 18 ये बेटा मैंने शनाख्ती कार्ड तो बनवाओ। इसे शनाख्ती कार्ड बनवाया और घर शादी करूंगा मैं, शादी करूंगा बेटा। शनाख्ती कार्ड से शादी नहीं होती, किसी ढंग की को पढ़ा लो कर लेंगे शादी। कुछ इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? क्या हो रहा है तुम्हारे साथ ऐसा? क्या बस छूट रही है? जज्बात जज्बात जज्बात। चलो अगला दो, अभी नहीं बहुत जल्दी है, फिर कहोगे इतनी जल्दी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है तबीश भाई? ठीक मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो अगला भाई। अच्छा क्वेश्चन मेरा ये है कि स्टडी और स्किल्स दो बहुत पाकिस्तान में अहम, जिसको कह लें कि डिफरेंस है। कई लोग कहते हैं स्टडी करो स्किल्स को छोड़ो, यानी डिग्री लो, डिग्री लो सीधी बात। और कई लोग प्रेफर करते हैं भाई स्किल्स को प्रेफर करो, डिग्री तो पाकिस्तान में मिल ही जाएगी। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं आपको अच्छी बात हूँ, देखो स्किल्स जो है ना वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है, उनकी दुनिया भर में स्किल्स की डिमांड है। मगर जो स्टडीज होती है ना वो आपको उन स्किल्स को मीनिंगफुल वे में इस्तेमाल करने का तरीका सिखाती है। अब अक्सर लोग स्किल्स सीख लेंगे मगर उनको स्केल करना नहीं आएगा अपने बिजनेस को, क्योंकि उन्होंने थ्योरी कुछ पढ़ी हुई नहीं है। और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जाने से सिर्फ तालीम हासिल नहीं होती, एक मॉल में जब आप बैठते हैं ना तो आपको सोचने के नए नए जरिए मिलते हैं। हमने अपने बहुत सारी चीज़ें घरों में नहीं सीखी, स्कूल कॉलेजेस में जाके सीखी हैं। वो इसीलिए सीखी हैं क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, डिफरेंट घरों के लोग आते हैं, वो एक्सपीरियंसेस सिखाते हैं लाइफ में। घर पर बैठ के स्किल सीखने से सब कुछ नहीं आ जाएगा, कॉम्बिनेशन ही इंपॉर्टेंट है इन दोनों का। ठीक है अगला कौन है भाई? हमारे मुल्क के हालात है आने वाले वक्त, हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होगा? देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ अल्फा एसोसिएशन। इसने बोला है कि भाई ऐसे मुल्क के हालात खराब है, आने वाले वक्त में आप मुल्क को कहाँ देखते हैं? यही कहा, आने वाले वक्त में हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? क्रेजी सवाल है। जिस तरह के बड़े हालात चल रहे हैं उनमें से या तो ये होंगे या ये होंगे या मैं होऊंगा, कोई होने को तैयार नहीं है वज़ीर आज़म। अभी कुछ पता नहीं कौन होगा, रज़ाक भाई नहीं होंगे बस। ब्रेक बहुत ही ज्यादा वक्त है, छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए, हारना मना कहीं नहीं जाएगा। तालियां। वेलकम बैक टू आर नाम मना है, इसे मैं बात कर रहा हूँ हमारी प्यारी ऑडियंस से। हाँ भाई किसके पास है अगला सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोस्त? जैन। क्या करते हो? मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ रहे हो? हाँ जी। किस चीज को? ICS। ICS कर रहे हो? सवाल करोगे? सवाल आप, सवाल नहीं है मेरा, मेरा शेर है आपके लिए। जब आप कराची छोड़ने वाले थे ना, तब मैंने लिखा था, आज अर्ज कर रहा हूँ। बताओ। नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ? वाह। नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ किसके लिए? मुझे तो पता है। और बाल बनाऊँ किसके लिए? वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊँ तो किसके लिए? वाह वाह। वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊँ तो किसके लिए? वाह वाह वाह। मैं आपको 2-3 नंबर दूंगा बाहर जाने के लिए, अब उनके लिए बाहर जाना। थैंक यू बेटा जान। अस्सलाम वालेकुम। कौन है अगला? वालेकुम सलाम। क्या करते हैं दोस्त? मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा नाम क्या है? कासिम। कासिम सवाल मेरा कैनात मैम से सवाल है कि आपका नाम कैनात है, आपको कभी किसी ने ऐसा बोला है कि आप मेरी, तुम मेरी कुल कैनात हो? मेरे मियां ने। कच्ची होगी, कोई चांस नहीं तुम्हारा। पिकअप लाइन मारने वाले थे ना, उन्होंने कहा मेरे मियां ने। और आपको इस किसी ने, किसके अलावा किसी ने बोला? नहीं कोई चांस नहीं बेटा, और मजीद मत भाव इन ताल्लुकात को। अगला कौन है? एक सेकंड मैम, माइक भी चला दोस्त, करीब करो इसको, छोड़ दो उसको, छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं स्टडी कर रहा हूँ आईकॉम। अच्छा वेरी गुड। सवाल जी, मेरा सवाल है उस्मान भाई से,
वो कराची किंग टीम को भी वो कह रहे हैं सपोर्ट, तो उनसे टीम मेरा सवाल है कि इस टाइम ज़्यादा बुरे हालात कराची किंग के हैं कि कराची शहर के हैं? वाह, अरे बहुत मुश्किल सवाल है ये। मेरे ख्याल से कराची शहर के ज़्यादा बुरे हालात। अच्छा, हाँ, कराची किंग्स में थोड़े अभी प्लेयर व्लेयर आ गए। उस्मान भाई, अभी मैंने सुना पीपल्स पार्टी ने सीटें भी जीती हैं, तो काम कराया होगा तभी जीती हैं। काम थोड़ा चल रहा है, काम चल रहा है, काफी चीजें डेवलप हो गई हैं। हाँ, मतलब लेफ्टिनेंट बोर्ड बेसिन वगैरह, ये अभी थोड़ा अभी आपका कब चक्कर लगा है? अभी आई हूँ, 3 दिन पहले। कौन से इलाकों से आ रही हैं आप? नहीं, बाकी बहुत बेहतर हो रहा है, बहुत सुस्ती से हो रहा है। ठीक है, मसला ये दुआ करें आप। लेकिन आपसे भी सवाल है, करो बेटा। आप अपने घर में बहन भाई तो होंगे आपके, आप सबसे करीब कर लो माइक, करीब आप सबसे छोटे हैं कि सबसे बड़े हैं? सबसे छोटा। ओ ठीक है, क्या आपकी क्या छोटे होते हो कोई, यानी कि किसी ने कोई खिंचाई वगैरह, कोई इंसल्ट वगैरह होती रही है? हस्ती भाई कहीं, तभी तो उसका बदला ले रहा हूँ आज सबसे दुनिया से मैं। चलो अगला सवाल, और भी लोगों को टाइम है बेटा, आखिरी सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ हो? जिस तरह आजकल सिलेक्शन हो रही है, लोगों को फील्ड में लाया जा रहा है और उन लोगों को उस फील्ड की एबीसी भी नहीं पता, तो आप उसके बारे में क्या कमेंट करेंगे? ये तो पूरी फील्ड लॉस, ये सिफारिश वगैरह चल रही है और वो तो पूरी फील्ड जो है लॉस में जा रही है, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? इलेक्शन के बारे में ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों को ओहदे दिए जा रहे हैं जो जिनको उनका नहीं पता। मोहसिन नकवी की बात कर रहे हैं, पीसीबी का चेयरमैन बना दिया उन्हें, तो पूछ उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, और भी लोग हैं मगर बेसिकली वो बात कर रहे हैं अंदरूनी अल्फाज जाते हैं, और जो बारिश और बड़े आदमी है जो भी ना हो तो उनको आगे लाया जाता है, ये गलत है। सिंपल ये है कि उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह ताला करे कि ये ना हो, पर ये होता है तो फिर बुरे हालात होते हैं। अब आप जो मैरिड लोग होते हैं उनको पीछे कर देते हैं, जो अनमैरिड होते हैं उनको आप आगे ले जाते हैं, तो वो फिर काम खराब करते हैं। यही तो वो कह रहे हैं, यही तो वो कह रहे हैं। बहरहाल खवातीन आजाद, थैंक यू ऑडियंस, बहुत प्यारी ऑडियंस थी, अपने लिए तालियां बजाइए। भाई ने माइक ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे अपना कान साफ कर लिया। माइक से कान साफ करेंगे अभी। माइक ऐसे कान साफ करेंगे। वक्त आ चुका है एचएमएच कप का रिजल्ट देखने का, देखते हैं एचएमएच कप का आज का विनर कौन है। क्या लगता है रजाक भाई, कौन होगा? उस्मान भाई। उस्मान भाई, जाहिर बात दिखाओ बेटा कौन। उस्मान मजाक कराचे, और पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं कौन पॉइंट्स टेबल को नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, लीडर लीडर पॉइंट्स टेबल को लीड कर रहे हैं, लीड कर लीड कर। अच्छा, स्क्रीन में पॉइंट्स टेबल ही आ रही है, सबसे ऊपर है कराची, कराची सबसे ऊपर। वाह 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 वाह, दो मैचेस खेले, एक जीता एक हारा, दो पॉइंट्स लिए मगर एवरेज सबसे अच्छी क्योंकि आज बहुत बड़ी मार्जिन से। दूसरे नंबर पे रजाक भाई हैं, एक मैच खेला एक जीता और अच्छी एवरेज है। क्वेटा यानी मुल्तान तीसरे नंबर पे, कायनात ने एक मैच खेला एक जीता, अच्छा खेल रही है। सुनील भाई ने दो खेले एक हारे, और एज यूजुअल बॉटम ऑफ द टेबल है इस्लामाबाद। हेरा इसलिए नीचे क्योंकि अभी तक उन्होंने एक भी मैच नहीं खेला, फ्लाइट कल आएंगी इंशाल्लाह। मरियम, कोई स्ट्रेटजी है कैसे इंप्रूव करेंगी, क्या करेंगी? रजी भाई से कुछ नहीं पूछ। हाँ, ये अच्छी स्ट्रेटजी है। सवाल आप रजी भाई से ना पूछे। या मैं आपको पहले ही कह रहा था। अच्छा, कल का मैच है पिशावर और कराची, यानी कि पीएसएल की बात हो रही है, पिशावर और कराची और मुल्तान और लाहौर का। वक्त आ चुका है प्रेडिक्शंस लेने का। रजाक भाई, कल पिशावर और मुल्तान में से कौन जीतेगा? पिशावर और कराची में से? पिशावर। पिशावर। कायनात? पिशावर। 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 अब सब पिशावर कह रहे हैं, मैं कराची का हूं, मैं कैसे पिशावर बोल सकता हूं? कराची जीतेगा। कराची, मैं भी कराची के साथ। कराची, कराची, हाँ, कराची के हर हार में हम उसके साथ साथ हैं। ठीक है, दूसरा मैच है किसका भाई? मुल्तान वर्सेस लाहौर। रजाक भाई, मुल्तान। 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 लाहौर। 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 पहुंचता है, हारना मनाएगा कल आईपीएसएल के एक और मैच और एचएमएस कप के एक और मैच के साथ दोबारा मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।